हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सिविल बिट्स में, जहां पर हम स्टडी करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। और उसी के अंदर हमने एक सब्जेक्ट था हमारा डिजाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, वो यहां पे हमने स्टार्ट किया था। इसके अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो बीम्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, है ना, बीम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने बेसिक्स का पढ़ लिया था कि बीम्स हमारे क्या होते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि बीम हमारे क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसके ऊपर हमारे ट्रांसवर्स लोड काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा बीम है वो किस किस वजह से हमारा जो बीम है वो फेल हो सकता है ना, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण जो बीम है वो फेल हो जाएगा। तो चलते हैं, तो मोड्स ऑफ फेलियर की बात करेंगे। ये क्या होता है हमारा, बीम्स कैन फेल इन द फॉलोइंग मोड्स। जो बीम है वो कौन कौन से कारण से हमारा रीजन से वो फेल हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट वाला रीजन आता है बेंडिंग फेलियर। बेंडिंग फेलियर क्या होता है, व्हेन फेलियर अकर्स ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द फ्लेंज देन इट इज टर्म्ड एज बेंडिंग फेलियर। आपने देखा होगा जो अगर आपने आई सेक्शन है, आई सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जब भी इसके ऊपर हमारा फोर्स यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, फोर्स के कारण दो चीजें आती है इसके अंदर, एक तो होता है बेंडिंग, दूसरा आता है सीयर, है ना। बीम के अंदर हमने आरसीसी के अंदर ही पढ़ा था, क्या लगता है इसके अंदर बेंडिंग आएगी, दूसरा क्या आएगा, सीयर आएगा। तो जो बेंडिंग आती है हमारी, बेंडिंग का किसके द्वारा रजिस्ट होती है, हमारी फ्लेंज के, जो आपका टॉप फ्लेंज है और जो आपका यहाँ पे बॉटम फ्लेंज है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बेंडिंग को रजिस्ट करते हैं टॉप और बॉटम। जो सीयर आएगा, सीयर को कौन रजिस्ट करता है, जो वेब होता है हमारा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे कि जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग को जो हमारा रजिस्ट करता है टॉप और बॉटम जो फ्लेंज होते हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, फ्लेंज हमारे रजिस्ट कर रहे हैं किसको, बेंडिंग मोमेंट को। और जो सीयर आता है, सीयर को कौन रजिस्ट करता है, जो वेब होती है, ठीक है, वेब इस पर रजिस्ट कर रही है हमारी सीयर को। तो जब हमारे क्या हो रही है, फेल फ्लेंज जो है वो फेल हो जा रहे हैं, है ना, फ्लेंज क्या हुआ है, वहां से बैंड हो गए, कुछ इस तरीके से फ्लेंज हो गया, अगर टॉप वाला फ्लेंज की हम बात करें, है ना, किसी भी शेप में हो सकता है, कौन के भी कौन अच्छी, ठीक है। तो जब हमारा क्या हुआ, फ्लेंज फेलियर हो गया, है ना, फ्लेंज क्या हो गया, वहां पे बैंड हो गया, या फिर दूसरी टर्म बोल सकते हैं हम इसे कि जो फ्लेंज है वो फेल हो गया। तो जब फ्लेंज फेल होगा तो उस वाले फेलियर को हम क्या बोलेंगे, बैंडिंग फेलियर बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लेंज के कारण हमारा होता है उसे क्या बोलते हैं, बेंडिंग फेलियर, क्योंकि हमें पता है कि जो बेंडिंग हमारी स्ट्रेस आती है या बेंडिंग मोमेंट जो सबसे ज्यादा लगता है हमारा कहाँ पे लगता है, जो फ्लेंज होते हैं उसी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा आता है। नेक्स्ट आता है आपका सीयर फेलियर। सीयर फेलियर क्या होता है, व्हेन द वेब ऑफ द आई सेक्शन बिकम फेलियर। जब क्या हो, जो वेब है हमारे आई सेक्शन की वो फेल हो जा रही हो, है ना, पहले तो क्या फेल हुआ था, फ्लेंज, लेकिन अब क्या है, अगर वेब फेल हो जा रही हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, सीयर फेलियर बोलते हैं, है ना। हमें पता ही था कि जो वेब होती है, वेब के ऊपर ही हमारा शेयर फोर्स वहाँ पे काम करता है, या शेयर फोर्स को जो रजिस्ट करता है, कौन रजिस्ट करता है, वेब ही हमारा रजिस्ट उसको करता है। तो इसलिए जब वेब फेल होगा तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर कौन सा फेलियर आया, शेयर फेलियर हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर वहाँ पे आया है। वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग टेक्स प्लेस इन दिस फेलियर। जो शेयर फेलियर है इसके अंदर क्या होता है, आपका वेब बकलिंग हो सकती है, वेब क्रिपलिंग हो सकती है ना। वेब तो आपको पता ही चल गया, जो बीच वाला आई सेक्शन का मेंबर होता है उसे वेब बोलते हैं, तो वेब की जो हमारी बकलिंग भी हो सकती है या वेब की हमारी क्रिपलिंग भी हो सकती है। अब वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग क्या होती है, इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपकी दोनों टर्म्स अलग अलग आएगी, है ना, वहाँ पे इनको समझेंगे वेब बकलिंग क्या होती है और वेब क्रिपलिंग क्या होती है, है ना। अभी के याद रखेंगे इस फेलियर के अंदर हमारे या तो वेब बकलिंग होगी या वेब क्रिपलिंग होगी। तो अवॉइड शेयर फेलियर, बीम शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब आप क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, बीम का डिजाइन कर रहे हो, स्टील के बीम का। तो जब बीम, स्टील के बीम का हम डिजाइन करेंगे तो हमें पता करना पड़ेगा कि किस वैल्यू तक जाके वो फेल हो जाएगा। तो एक कंडीशन होती है हमारी, एवरेज शियर स्ट्रेस 2VA शुड बी स्मॉलर देन 0.4 FY। जो हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 0.4 FY से कम होनी चाहिए। अब शियर स्ट्रेस जो 2VA है, है ना, एवरेज शियर स्ट्रेस है वो क्या है, V/H (TW). आपने पढ़ा होगा आरसीसी के अंदर शियर स्ट्रेस जो थी, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर देते हैं हम, शियर फोर्स अपॉन जो बीम था, बीम का एरिया, ऐसे तो निकालते हैं शियर फोर्स हम, सॉरी शियर स्ट्रेस वहां पे। तो ये सेम हमने यहाँ पे किया, वी तो क्या है हमारा शियर फोर्स है, एच क्या है जो सेक्शन है उसकी वहां पे हाइट या फिर बोल सकते हैं उसकी डेप्थ है, और टी क्या है, टी डब्ल्यू क्या है, वेब की थिकनेस, ठीक है। डायरेक्टली आप, डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे और अपनी जो एवरेज शियर स्ट्रेस है यहाँ पे कैलकुलेट करके आप इसे पता लगा सकते हो कि आपका जो सेक्शन है शियर के अंदर फेल होगा या
नहीं होगा। तो वी तो क्या है हमारा, मैक्सिमम शियर फोर्स है। अब शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, अगर आपको सिंपल सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, उसके लिए जो शियर फोर्स होता था कितना होता था, डब्ल्यू एल बाय टू, है ना। लास्ट लेक्चर में भी एक हमने पढ़ा था इसके बारे में। एच हमारी डेप्थ ऑफ सेक्शन है और टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ वेब है। कुछ ऐसे होता है, ये आपका ये सेक्शन है ऐसे। तो ये क्या होती है इसकी हाइट, एच। जो ये वाली थिकनेस होती है इसको बोलते हैं हम थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो फेलियर आता है वो आता है आपका डिफ्लेक्शन फेलियर। एक तो हो गया बेंडिंग फेलियर, दूसरा हुआ शियर फेलियर, और थर्ड आता है आपका डिफ्लेक्शन फेलियर। डिफ्लेक्शन फेलियर क्या होगा, डिफ्लेक्शन का मतलब आपको पता ही है, सोम के अंदर भी आप डिफ्लेक्शन पढ़ चुके। विक्षेप बोलते हैं, मतलब जो बीम है वो नीचे की तरफ क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है ना, उसके अंदर क्या आ जा रहा है, विक्षेप आ जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्शन फेलियर। अब कहां तक हम क्या करेंगे, एक लिमिट होगी जहां तक हम मान के चलेंगे कि यहां तक तो हमारा बीम फेल नहीं है, और उस लिमिट के बाद हमारा जो बीम है वो फेल हो जाएगा। तो व्हेन डिफ्लेक्शन इन बीम एक्सीड फ्रॉम ए सर्टेन लिमिट, जब जो डिफ्लेक्शन बीम के अंदर आ रहा है वो किसी एक लिमिट, जो हमारी फिक्स लिमिट है, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो तब उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन फेलियर बोलेंगे। कैसे आता है डिफ्लेक्शन, मान लीजिए आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे जब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो फोर्स के कारण क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा। तो जितना ये क्या हुआ नीचे, यहाँ पे अगर ओरिजिनल में यहाँ पे था, तो जितनी डिस्टेंस नीचे गया है ना, जितना ही नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब बीम है जो नीचे, जितना नीचे जाएगा उसके लिए क्या होती है हमारे पास में एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट क्या होती है हमारी, इसी में देखेंगे नेक्स्ट, लिमिट क्या होती है, टू अवॉइड डिफ्लेक्शन फेलियर फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी यहाँ पे, अगर हमें पता करना है कि हमारा जो बीम है डिफ्लेक्शन के अंदर फेल होगा या नहीं होगा। परमिसिबल डिफ्लेक्शन शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम मतलब क्या है कि कितना हमारा जो बीम हमने डिजाइन किया उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, और परमिसेबल का मतलब होता है कहाँ तक हम उसको अलाउ कर सकते हैं, है ना, कहाँ तक हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका परमिसिबल डिफ्लेक्शन है, एक कंडीशन होती है आरसीजी के अंदर भी सेम थी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है या परमिसिबल डिफ्लेक्शन आता है ना, मतलब कितने तक हम उसको परमिट करेंगे, है ना, कितने तक हम उसे अलाउ कर देंगे, कितना डिफ्लेक्शन हमारा बीम के अंदर चल जाएगा, तो कितना होता है, वो होता है आपका एल अपॉन 325 लेंथ डिवाइड बाय 325। जो परमिसिबल वैल्यू है हमारी डिफ्लेक्शन की, वो वैल्यू होती है हमारी, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इसकी परमिसिबल की वैल्यू। सेकंड आता है आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है हमारा, यूडीएल जो लगा हुआ है इसके ऊपर, 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI। जितने भी आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल होंगे उसके अंदर मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल जो यूडीएल वाले हैं वही आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और उस पर यूडीएल लगा होगा, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है यूडीएल के लिए, ये होता है 5WL की पावर 4 अपॉन 384 EI, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाती है वेब बकलिंग। हिंदी में वेब को वेब ही बोलते हैं और बकलिंग होता है आपका वेंकुचन, ठीक है, वेंकुचन बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो वेब बकलिंग क्या होती है, व्हेन ए कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड किसको बोलते हैं हम, जो पॉइंट लोड होता है, ठीक है, जो पॉइंट लोड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लोड बोल देते हैं। तो व्हेन कंसंट्रेटेड लोड और हाई इंटेंसिटी लोड इन ए स्मॉल एरिया, या तो आपका पॉइंट लोड वहां पे काम कर रहा हो, तो ये आपकी स्ट्रक्चर थी, उसके ऊपर दो रीजन हो सकते हैं, या तो क्या है एक पॉइंट लोड वहां पे लगा हुआ है, दूसरा क्या हो सकता है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है लेकिन उसकी जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मान लिया इतना छोटा एरिया में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है छोटा सा, है ना। दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो पॉइंट लोड लगा हो या छोटे से एरिया में क्या हो डिस्ट्रीब्यूशन लोड लगा हो। तो जब जिसका एरिया कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लोड का एरिया कम होगा, तो तब वो भी कैसे काम करेगा, जैसे आपका पॉइंट लोड काम करता है। इन ए स्मॉल एरिया वर्क्स देन द वेब ऑफ द बीम बकल फ्रॉम इट्स पोजिशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी वेब है उसकी जो वेब है वो क्या हो जाती है, अपनी पोजिशन से वहां से हट जाती है। मान लिया ये था आपका बीम, पहले तो ये था, इसके ऊपर क्या हुआ, जब हमारा पॉइंट लोड यहाँ पे काम कर रहा है, ज्यादा पॉइंट लोड लगेगा तो उसकी जो ये वेब है क्या हो सकती है, यहाँ पे इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी बीच में से, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वेब बकलिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है द अनदर रीजन इज दैट लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद 45 डिग्री एंगल इन साइड द सेक्शन। जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा 45 डिग्री के एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट
होता है व्हेन इट बिकम मोर देन 45 डिग्री, देन इट फोर्स द बकल ऑफ द सेक्शन। अगर जो एंगल जो हमारा फोर्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका एंगल 45 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो तब क्या हो सकता है, हमारा जो सेक्शन है वो बकल कर जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे ये आपका आई सेक्शन है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से इस तरीके से बकल यहाँ पे कर गया, तो ये क्या बोलते हैं इसको, वेब बकलिंग बोलते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ से बकल कर गया वेब से, वेब इसकी मुड़ गई यहाँ पे। अब लोड जो हमारा होता है कैसा लगता है, मान लिया आपका बीम था, ठीक है, साइड से देख, ये तो उसका क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू है यहाँ पे। तो साइड से जो हम इसे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है बीम, इस पे हमारा पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, तो ये क्या है, लोड हमारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 45 डिग्री पे। तो ये सारा एरिया जितना भी है इसमें क्या हो रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो रहा है, और जो ये एंगल है हमारा यही कितना एंगल है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू अगर क्या हुई, ज्यादा हो गई, है ना, ज्यादा होने से क्या होगा, लोड पूरे तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाने का यहाँ पे, और जो हमारा वेब बकलिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब क्रिपलिंग। अब वेब क्रिपलिंग क्या होती है हमारी, इट आल्सो कोज बाय द कंसंट्रेटेड लोड। जो वेब क्रिपलिंग है वो भी किसके कारण आती है, कंसंट्रेटेड लोड के कारण ही आती है। कंसंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड, ठीक है, दोनों हमारे पॉइंट लोड के कारण ही आती है। व्हेन लोड इंटेंसिटी एक्सीड द लिमिट देन एट द जॉइंट ऑफ द वेब एंड फ्लैंज वेब बिकम बेंट। जब क्या होती है, हमारा जो लोड है उसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, मतलब जितना वो स्ट्रक्चर बियर कर सकती थी उसके ऊपर हमने लोड उससे ज्यादा वहां पे लगा दिया, मतलब उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया वहां पे, तो क्या होगा, जहाँ पे उसका वेब और फ्लैंज का जॉइंट होता है, ये वाला जो जॉइंट है ना, यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं, वेब और फ्लेंज जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बैंड हो जाता है कुछ इस तरीके से, है ना, ज्वाइंट क्या हो जाता है, वहां से बैंड हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वेब क्रिपलिंग बोलते हैं। वेब बकलिंग के अंदर तो क्या था, पूरा का पूरा वेब ही जो था वहां पे बैंड हो गया था, यहाँ पे पूरा का पूरा वेब ही बैंड हो गया था, लेकिन वेब क्रिपलिंग में क्या हो रहा है, सिर्फ जहाँ पे ज्वाइंट है सिर्फ वहां से ही क्या हो रहा है, वो बैंड हो जा रहा है ना, जहाँ पे हमारा फ्लेंज और वेब का ज्वाइंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज वेब क्रशिंग, इसको क्या बोलते हैं, वेब क्रशिंग भी बोलते हैं, क्योंकि क्रश का मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें वेब हमारा क्या हो जा रहा है, क्रश हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेब क्रशिंग भी बोलते हैं, दोनों एक ही टर्म है, वेब क्रिपलिंग बोल दो या वेब क्रशिंग बोल दो। इट अकर्स ओनली फॉर सम सेक्शन एंड इट कैन बी अवॉइड बाई प्रोवाइडिंग स्टिफनेस। जो वेब क्रिपलिंग है वो कुछ हमारे सेक्शंस मेन सेक्शंस है उन्हीं के अंदर में वो आता है ना, ऐसा नहीं है कि किसी भी सेक्शन के अंदर हमारा वेब क्रिपलिंग आ सकता है। तो फिक्स कुछ हमारे ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर ये मेनली आता है, तो जिस सेक्शन में क्या होगा, हमें चांसेस होगी कि वेब जो क्रिपलिंग है वो वहां पे आ सकता है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टिफनेस प्रोवाइड करा देंगे। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देंगे वेब को सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा से हमने यहाँ पे प्लेट वगैरह एंगल वगैरह यहाँ पे लगा दी, ये क्या करेगी, वेब को सपोर्ट करेगी और वेब के अंदर हमारा वेब क्रिपलिंग वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात आती है स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जो थ्योरी थी आपने अभी तक पढ़ ली, ठीक है, थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, वेब बकलिंग वेब क्रिपलिंग पेपर के अंदर आपका पूछा भी जा चुका पहले भी, है ना, तो चांसेस होते हैं बार बार पूछने के। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेप्स भी आपके एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं थ्योरी के अंदर, है ना। तो क्या होता है स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल हो गया उसमें आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेनली कैलकुलेट करना होगा, है ना, जो मोस्टली क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं वो किसके आते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के, या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हेल्प से दूसरी चीजें हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की हमें वहां पे जरूरत पड़ती है, तो इसलिए पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना ही सीख लेंगे कि कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आता है, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस, जेड से हम उसको दिखाते थे, फ्रॉम स्टील टेबल, है ना, सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहाँ से मिलेगी, स्टील टेबल से आपको वैल्यू वो मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा सेक्शन आपको दिया हुआ है तो जिसका आपको स्टील टेबल के अंदर वैल्यू नहीं होती, आपको बोल देगा कि कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमारा बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का बीम दिया हुआ है तो उसकी जो रेक्टेंगल है इसके लिए तो वहाँ पे मिलेगी नहीं हमें स्टील टेबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, जो जेड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, आई अपॉन वाई, आई क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई क्या था, मान लिया न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो आउटर फाइबर है उसकी डिस्टेंस, चाहे तो आपकी ये वाली हो चाहे ये वाली हो, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है आपको, है ना, वाई वन है यहाँ पे मान लिया, वाई वन है ये, वाई टू है, तो वाई वन और वाई टू में से जो भी ज्यादा होगा वो वैल्यू आप यहाँ पे लेके चलोगे, वाई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन मोस्टली जो सेक्शन आपके आई सेक्शन वगैरह जो आएंगे इनके, तो सबकी वैल्यू आपको स्टील टेबल के अंदर ही मिल जाएगी, वहां से आपको डायरेक्टली वो वैल्यू उठा लेनी है। लेकिन आता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू जेड, जेड क्या सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर कि न्यूमेरिकल किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है ना, तो बहुत आसान है, देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए बीम ISMB 500 एट द रेट 852.5 न्यूटन पर मीटर। है ना, इतना बड़ा नाम देख के घबरा नहीं जाना है कि ये क्या यहाँ पे लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया, है ना। अभी बताएंगे क्या है, बहुत आसान सी चीज है। हैविंग 4 मीटर लेंथ, हमारे पास में क्या है, एक बीम है ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। 500 क्या है इसकी डेप्थ है, तो वो उसकी जो लेंथ है हमारी बीम की लेंथ है 4 मीटर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और क्या गिवन है आपको, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, ये चीज आपको गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे सबसे पहला काम क्या होता है, गिवन डाटा वहाँ पे लिखने का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन डाटा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, गिवन डाटा में सबसे पहले आपको बीम सेक्शन दिया हुआ था, तो बीम सेक्शन आपने यहाँ पे लिख लिया, जो बीम सेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ था। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ द बीम, बीम की लेंथ दी हुई थी 4 मीटर, एमएम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे अगर आपको जरूरत पड़ी वहाँ पे आगे, तो चार जो 4000 आपकी वैल्यू है इसे वहाँ पे पुट कर लेंगे, है ना। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम है आपको कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस फ्रॉम स्टील टेबल, मतलब जेड की वैल्यू आपको स्टील टेबल से उठा के लानी है ना। तो कहाँ चलेंगे, स्टील टेबल के पास चलेंगे, चलते हैं स्टील टेबल में। तो ये आपके यहाँ पे स्टील टेबल है, ठीक है, तो इसमें क्या था, ISMB 500। तो सबसे पहले तो आपको कहाँ जाना होगा, जो आपके आई सेक्शन होते हैं, या इसको बोलते हैं हम क्या, बीम। तो ये रहे आपके बीम, यहाँ पे 12 पेज नंबर पे है, तो कहाँ चलेंगे, 12 पेज नंबर पे चलेंगे हम। ये आपका 10 पेज नंबर आ गया, 11, और ये आ गया आपका 12। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ISMB, लास्ट में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ISMB 500। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ISMB के लिए, 500 के लिए, जो आपका 852.5 दिया हुआ था न्यूटन पर मीटर, वो आपका यहाँ पे वैल्यू दी होती है कि कितना वेट इसका, हमारा सेल्फ वेट होता है, लेकिन उसकी अभी जरूरत हमें यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमें मेन कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो आपका दिया भी हुआ है वैल्यू न्यूटन के अंदर, वेट पर मीटर के इसका जो वेट है कितना है। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो रेडियस जो क्या है, जेड सेक्शन मॉडुलस है ना, जेड की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अब जेड कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपका जेड ये दिया हुआ है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जेड एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स डायरेक्शन में क्यों लेंगे, क्योंकि आपकी जो एक्स एक्स डायरेक्शन में वैल्यू होती है वो सेक्शन मॉडुलस की सबसे ज्यादा होगी, है ना, देखने में भी आपको पता चल रहा होगा किसी भी एंगल का आप देखोगे तो जेड एक्स एक्स जो है सेक्शन मॉडुलस जो है वो आपका एक्स एक्स वाले डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है। तो आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, जेड एक्स एक्स वाली लेनी है, लास्ट वाली वैल्यू थी आपकी यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है, आपके जब स्टील टेबल आप देखोगे तो उसमें आपके सामने वाला पेज होता है, जो अभी आप पेज देख रहे हो ये क्या है, उसके सामने वाला पेज है। एक पेज तो साइड में था जिसमें आपके नोटेशन लिखी हुई थी ISMB, तो ये दूसरा पेज उसी के सामने होता है। तो इस वाला जो पहले साइड वाला पेज था उसमें आपके सबसे लास्ट वाली एंगल थी वो, तो यहाँ पे भी सबसे लास्ट वाली एंगल ये रही है हमारी। तो इसमें जो हमारी जेड एक्स एक्स की वैल्यू दी है स्टार्टिंग में दी है 1808.7, है ना। यूनिट देख लेंगे पर क्या है, यूनिट दी हुई है इसकी यहाँ पे cm³, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको cm³। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ से हम उठा लेंगे। तो चलते हैं अपनी वहां पे, तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1808.7 × 10³। 10³ क्यों लगाया, क्योंकि वो सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू वहाँ पे थी, एमएम के अंदर कन्वर्ट किया। आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10 एमएम। तो इसकी क्यूब होगी तो 10 की भी क्या हो जाएगी यहाँ पे क्यूब, है ना।
ये आपने यहाँ पे किया सेक्शन मॉडुलस के अंदर, डायरेक्ट वैल्यू उठानी है ठीक है, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं है हमें इसमें। अब हमें सेकंड स्टेप करना है, क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट अब ये करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यू सिग्मा बी सी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जेड आपने स्टील टेबल से कैलकुलेट कर लिया, सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप अपना आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, जो आया आपका 298.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, इसमें कोई आपका सेक्शन नहीं दिया हुआ है ना, ना ही सेक्शन, कोई भी सेक्शन की बात नहीं की, इसने कहा कि रेक्टेंगुलर बीम है हमारा। साइज कितना है, 400 mm इंटू 200 mm, जो साइज गिवन होता है आपका बी इंटू डी में गिवन होता है, बी इंटू डी है ना, ध्यान रखना स्टार्टिंग वाला क्या होता है बी और सेकेंड वाला होता है डी यानी कि डेप्थ। एक परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इतना सा डाटा इसने दिया और आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे पूछ लिया। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा क्या क्या है हमारा यहाँ पे, विड्थ ऑफ द बीम दी हुई है 400 mm, सेकेंड आपको डेप्थ ऑफ द सेक्शन दी हुई है, डेप्थ कितनी है 200 mm, ठीक है, विड्थ भी दी हुई है डेप्थ भी दी हुई है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितनी दी हुई है, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्या रेक्टेंगुलर सेक्शन, विड्थ कितनी है जिसकी 400 mm है, डेप्थ है 200 mm है ना। अब इसके अगर हम न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा, इसके मीडियम में होगा, न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस बीच में होगा। अब इसमें आपको ना तो सेक्शन इसने क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया कि कौन सा सेक्शन है, जब हमें सेक्शन मॉडुलस चाहिए होगा तो सेक्शन देखे तो हम स्टील टेबल से वैल्यू उठा लेते, लेकिन जो रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर सेक्शन कहीं भी स्टील टेबल के अंदर नहीं दिया होता, तो उसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसका, कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस जेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको उन्हें पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई होता है। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है, आप बार बार पढ़ चुके हो, कई बार पढ़ चुके हो, उसे क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी ई क्यूब अपॉन 12 है ना, ये तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन के लिए। बी भी आपके पास है, डी की वैल्यू भी है, वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे और अपना जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली, जो आई आपकी 266.66 × 10⁶ mm/4, क्या आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया, यानी आई की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई हमारे पास में। अब क्या चाहिए आपको, वाई चाहिए यहाँ पे है ना, क्या कैलकुलेट करना है आपको, वाई कैलकुलेट करना है। अब वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई को आपको बताइए कि न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम फाइबर होता है उसकी डिस्टेंस होती है, तो आप न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से यहाँ पे देखोगे या न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ, क्योंकि आउटर फाइबर दोनों साइड में है। अब रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में जो न्यूट्रल एक्सिस होगी कहाँ पे होगी, टोटल डेप्थ कितनी है 200 mm, तो कितने पे होगी 100 mm पे, ठीक है 100 mm। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बीच में बिल्कुल इसके न्यूट्रल एक्सिस है, चाहे टॉप से देख लो आप चाहे बॉटम से देख लो, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम फाइबर है वो चाहे आप टॉप वाली साइड में देख लो चाहे आप बॉटम वाली साइड में देखो, तो ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है और कितना है 100 mm है ना, 100 mm पे है। डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस से जो आउटर फाइबर है कितनी डिस्टेंस पे है, तो डी बाई टू कर दिया हमने 100 mm। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की, जेड का फॉर्मूला हमने पढ़ी रखा, जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई था, तो आई की वैल्यू यहाँ पे रखी, वाई की वैल्यू यहाँ पे रखी और आपने जो सेक्शन मॉडुलस था वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब सेक्शन मॉडुलस मेन काम क्या होता है न्यूमेरिकल के अंदर, कि जो आपका सेक्शन मॉडुलस है वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए है ना, जैसे सेक्शन मॉडुलस आपके पास में आया आप आसानी से उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दोगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ी रखा, मोमेंट इक्वल टू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आंसर जो था वो कैलकुलेट यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है इसका आंसर यहाँ पे रह गया, सॉल्व कर देंगे इसे एक बार यहाँ पे, 14 × 2.66 × 10⁶, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है 370.37, ठीक है 37.24 × 10⁶, ठीक है न्यूटन mm है ना। अब वैल्यू का ध्यान रखना यूनिट का, क्योंकि न्यूटन और mm के अंदर ही वैल्यू हम सब पुट अप करते आ रहे थे। अब न्यूटन को तो कन्वर्ट कर दिया हमने क्या किलो न्यूटन के अंदर, mm को कन्वर्ट कर दिया किस में मीटर में, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा 10⁻³ किलो न्यूटन,
और 1 mm इक्वल टू क्या होगा 10^-3 मीटर। तो किलो न्यूटन मीटर के अंदर जब हम इसे वैल्यू को लिखेंगे तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू थी कितनी थी 37.24, ये क्या आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर के अंदर, है ना, क्योंकि 10^6 तो कैंसिल हो चुकी है हमारी, है ना, एक तो न्यूटन वाले 10^-3 आई थी, एक मीटर वाली 10^-3 आई थी, दोनों से जो प्लस की पावर थी वो कैंसिल वहां पे हो गई थी, है ना। तो यही क्या इसका आंसर है, ठीक है, इसे मैं ऐड कर दूंगा नोट्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हमारा चैनल जो है सील बीट्स उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लेक्चर जो हमारे होंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी पॉसिबल आपके न्यूमेरिकल इसके अंदर हो सकते हैं। थैंक यू।